क्या कुछ कहेंगे सर आप इसके बारे में? बीजेपी में कोई हमारा दो गुट ऐसे नहीं है, सब बीजेपी के ही मेंबर है, एक ही परिवार है, इसमें दो गुट नहीं है। टिकट तो एक को ही देना पड़ता है, पार्टी का निर्णय है, जो भी निर्णय किया है पार्टी ने किया है, सब उसको मान्यता देना होता है। लेकिन मैं आया हूँ अपने पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स से मिलने के लिए, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर, और हमारे एमपी कैंडिडेट ताशी ग्यालसन जी, हमारा सिटिंग एमपी जामयांग सिंह नामग्याल जी, हमारे यहाँ काउंसिलर्स हैं, बाकी सबसे मिलना मेरा दायित्व है। पार्टी के बहुत लोगों से मैंने आज बात किया है और सब एकजुट में काम करेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी किसी एक का पार्टी नहीं है, एक परिवार का पार्टी नहीं है, कांग्रेस परिवार का पार्टी है, हमारा पार्टी सबका है, इसमें कोई एक आदमी का हिसाब से नहीं चलता है, सामूहिक सब मिल करके हमारा पार्टी यहाँ काम करते हैं। और लद्दाख का भविष्य भारतीय जनता पार्टी का हाथ में सुरक्षित है, और भारतीय जनता पार्टी का एमपी लद्दाख से जीतना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। कौन एमपी बनता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एमपी बनना है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख का भविष्य हमारे मोदी जी के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ में है, हमारा दायित्व है, और हम पूरा गारंटी के साथ चल रहे हैं कि जो 10 साल में काम हुआ है लद्दाख में, आप सोच के देखिए और 5 साल में कितना आगे जाएगा। या कोई समस्या अभी जो भी हम देख रहे हैं, लगभग पुराने समस्या उस समय बिजली, पानी, 4G नेटवर्क जो समस्या शुरू में था वो लगभग सॉल्व किया गया है, लेकिन समस्या कभी खत्म नहीं होते हैं, और भी बाकी चीज करना होता है, वो भी अगले 5 साल में हम पूरा करेंगे, हम लक्ष्य लेके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जी सर, जिस तरह से जो है एमपी कैंडिडेट जो है वो मैंडेट जो है वो अनाउंस नहीं किया गया था, एमपी को भी कंसर्न नहीं किया गया, ऐसा कुछ सुनने में भी आ रहा है, पार्टी ऑफिशियल्स को भी कोई कोई सूचना नहीं दिया गया था, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, देखिए बीजेपी पार्टी जब डिसीजन लेता है वो एक प्रक्रिया के तहत लेता है, एक तरीका होता है डिसीजन लेने का, उसमें कब बताना कैसे बताना वो पार्टी तय करते हैं, लेकिन मेरा जो कहना है कि हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट है, और ताशी ग्यालसन जी हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल डेवलपमेंट काउंसिल के वो चेयरमैन है वर्तमान में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको एमपी बनाने का लोगों का सोच भी है और पार्टी का निर्णय है। और जामयांग सिंह जी वर्तमान में हमारे सांसद, बहुत पॉपुलर एमपी हैं, बहुत एक्टिव एमपी है, और यहाँ लद्दाख में पहले वो चेयरमैन रह चुके हैं ऑटोनोमस काउंसिल में, उनको भी तो पार्टी कैसे छोड़ेंगे, टिकट नहीं दिया मतलब छोड़ दिया ऐसे नहीं है, टिकट नहीं देने का कई कारण होता है, लेकिन उनको ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, पार्टी सबका है। मैं जैसे कह रहा हूँ ना, हम लोग भारतीय जनता पार्टी भी इतने सालों से, मैं 7 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, 7 बार चुनाव में मैंने देखा है अपना कितने लोग पार्टी के साथ में जुड़े रहे हैं, तो परिवार के जैसे हम लोग चलाते हैं। जी सर, जिस तरह से जो अभी लद्दाख में कुछ अलग ही माहौल चल रहा है सर, सेफ गार्ड को लेकर, जैसे सिख शेड्यूल को लेकर जो वो है, सब हम ही करेंगे, तो पहले भी मैनिफेस्टो में रखा गया था सर, क्या कुछ इसलिए कह कहेंगे? रहा हूं ना, बीजेपी ही यहाँ का स्थानीय लोगों का जो भी डिमांड है फुलफिल बीजेपी ही करेगा, जो भी प्रावधान जो भी करना है वो बीजेपी ही करेगा, कोई और नहीं कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस ने तो बेच दिया था लद्दाख को, यहाँ का कल्चर गायब होने वाले थे, वो तो शुक्र है हम यूनियन टेरिटरी दिया मोदी जी ने, और आगे जो भी कदम उठाएंगे हमारा सरकार के माध्यम से मोदी जी का आशीर्वाद से ही होगा, अगर कांग्रेस कंटिन्यू रहता है ना लद्दाख खत्म हो जाते हैं, इतना आप याद रखिए। तो सर, आने वाले दिनों में क्या जो पूर्व हमारे एमपी है या सब मिल के क्या है, जो अभी के कैंडिडेट हैं उनसे उनके प्रचार में जुड़ पूरा सके, क्या कुछ पूरा कहेंगे? जुड़ेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे परसों, भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता एक साथ स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, काउंसिल मेंबर, काउंसिलर, सारा सब टीम मिला करके पूरे के पूरे एकजुट रहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग देखिए बीजेपी परिवार संगठित है और एकजुट होकर के काम करेगा, और अच्छा मार्जिन से जिताना है, मोदी का जो 400 पार है उसमें लद्दाख का भी योगदान होना है ना। वर्कर क्या कुछ कहेंगे सर अपने वर्कर्स को यहाँ पे ले? को तो मैं
इतना ही कहूंगा कि पिछले 5 साल में जितना मेहनत किया, काम किया, उसका नतीजा हमने देखा है। आगे भी और मेहनत कीजिए, और भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता है वो हमेशा अपने बारे में नहीं सोचता है, देश के बारे में, समाज के बारे में सोचता है। हम लोग सब समर्पित भाव से काम करते हैं, अपने लिए कभी नहीं सोचते हैं। वैसे हर बीजेपी वर्कर का कैरेक्टर होता है, पहला देश, फिर समाज, बाद में खुद के बारे में सोचता है।